साहसी भिंडी भाई। भिंडी भाई उनके घर में सो रहे थे और वहां यहां करवटें बदल रहे थे। सुबह हो गई थी पर अपने आलसीपन के कारण भिंडी भाई अभी तक नहीं उठ पाए। सोए सोए खर्राटे मार रहे थे कि तभी एक जोर की आवाज आई। बाहर बहुत शोर था, उसे सुन के वो उठ के बाहर आए। घर के बाहर गांव के राजा का सिपाही चिल्ला रहा था, बंदर गांव के लोग, आपको ये बोलने आया हूं कि हमारे गांव के युवा दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। ये बात सुन के उन सबको वापस जो भी लेके आएगा उसे राजा जी अच्छे अच्छे तोहफे देंगे, तो इसलिए एक बार आके राजा जी की आज्ञा सुन के जाइए, मैं यही बताने आया था। भिंडी भाई ने जल्दी से दो बार उठक बैठक करके सोचा, आहा, मैं भी अच्छा खासा बलवान हूं, और अपने गांव के मुखिया के पास चल के निकल गया। गांव के मुखिया जी। कौन है, क्या हुआ भिंडी भाई, सब ठीक है क्या? राजा जी ने संदेशा भेजा है कि गायब हुए युवा को जो भी ढूंढना चाहता है वो सब आ जाओ, तो मैं भी उनकी मदद करने जा रहा हूँ, सोचा एक बार आपको बोल के जाऊं। नमस्ते राजा जी। कौन हो तुम? जी मैं बंदर गांव से आया हूँ, मेरा नाम भिंडी भाई है। आपके भेजे हुए सिपाही ने जो कहा वो मैंने सुना, मैं उस युवा पीढ़ी को ढूंढ के उसे बचाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो। तुम मामूली इंसान हो, अकेले करना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं कर सकते। मंत्री जी मुझे एक मौका देके तो देखिए। मंत्री जी भिंडी भाई को जाने दो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अच्छा भिंडी भाई तुम्हें कोई मदद चाहिए? खोए हुए लोगों के नाम, एक घोड़ा और एक तलवार चाहिए राजा जी। अच्छा, उनके नाम हैं विक्रांत मराठे, सूर वीरांत, सेतु महाबली और प्रताप रंधावा। ये लो वहां पे जो तलवार है उसे लेके घोड़े पे जाके उन सब को बचा के लेके आओ। होशियार रहना, दुश्मन बलवान होंगे। जरूर सावधानी से जाऊंगा, कहके घोड़े पे बैठ के भिंडी भाई निकल गए। जाते जाते बहुत दूर यात्रा करके खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए भिंडी भाई। और जैसे ही उसने खाना शुरू किया, पता नहीं कहां से एक बड़ी पंछी आके उसके सामने रुक गई। भिंडी भाई ने उस पक्षी से कहा, बेचारे तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम भूखे हो, ये लो ये खाओ, कहकर एक छोटी सी चीज उसकी तरफ फेंका। जैसे ही उसने वो चीज खाई वो पक्षी गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मैं देवलोक का गंधर्व हूं, जो भी मेरे पास भूख से आता था मैं उसे एक भी दाना नहीं देता था। एक दिन मैं जब खाना खा रहा था एक संत आया और बोला कि उसे बहुत भूख लगी है, उसने खाने के लिए कुछ मांगा, मैंने इनकार कर दिया और ऊपर से उसे जोर से मारा, तो गुस्से से उन्होंने मुझे पंछी बना दिया। मैं उनके पैर पड़ के उनसे माफी मांगने लगा, फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी को तुम पे दया आएगी और जैसे ही कोई तुम्हें बिना पूछे खाना देगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, इसीलिए जैसे ही तुमने मुझे खाना दिया मैं श्राप से मुक्त हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐसा हुआ? मैं तुम्हारी दो ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मांगो। मेरे देश के युवक गायब हो रहे हैं इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकला हूं, आप मुझे उनका स्थान ढूंढ के बता सकते हो? तुम यहां से पूर्व की दिशा में जाओ और 10 मील की दूरी पर तुम्हें उनका एक संकेत मिलेगा। और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब मुझे चाहिए तब मैं आपसे मांगूंगा। ठीक है भिंडी भाई, मैं जो मंत्र बोलूंगा अगर तुम वो बोलोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। आजू गंधर्व हवा में आओ चल के आओ। ये मंत्र कह के गंधर्व गायब हो गया।
भिंडी भाई वहां से निकल के पूर्व की तरफ निकल गए। तेजी से गए, बीच में झाड़ों को पार करके धीरे से एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। पर उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसे यहां क्या मिलेगा। अचानक दाईं तरफ से कुछ आवाजें आईं। वो धीरे से उसकी तरफ गया, पर वहां पे उसे कुछ नहीं दिखा। पर थोड़ी दूरी पे उसे एक नदी दिखी और उस नदी के पास भिंडी भाई चल पड़ा। जब उसने पानी में देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, पर आवाजें आ रही थी, तो उसने एक रस्सी बांध के धीरे से पानी में उतरना शुरू किया। अंदर सूर्योदय था, सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे थे। तो भिंडी भाई ने एक आदमी से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रांत मराठे है। ये कौन सी जगह है? मेरा नाम विक्रांत मराठे है। यहाँ पे तुम सब क्या कर रहे हो? मेरा नाम विक्रांत मराठे है। अरे मैं जो भी पूछ रहा हूँ तुम बार बार एक ही जवाब दिए जा रहे हो, और इसका नाम तो गुमशुदा युवा में था। शायद दुश्मन इन सबको यहाँ लाके अलग अलग काम करवा रहा है। ये सोच के वो चुपचाप देख रहा था। दूसरी तरफ से दो डरावने लोग आ रहे थे, बड़ी लकड़ियां पकड़े हुए भिंडी भाई की तरफ आ रहे थे। रुको रुको, कौन हो तुम सब? हमारी जगह आके हमसे ही सवाल पूछते हो, कौन हो तुम? देखने में तो लगता है कि ये बंदर गांव का आदमी है, पहले उसको पकड़ो। बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। तलवार के साथ भिंडी भाई ने उन दोनों से लड़ाई की। दोनों को बहुत मारा उसने, लकड़ी से भी मारा, हाथों से, पैरों से। एक तरफ ये इतना लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो युवा चुपचाप अपना काम कर रहा था, पलट के भी नहीं देख रहा था। भिंडी भाई ने सबको बहुत बहुत मार के फेंक दिया। अब इस युवा से बात करने का कोई उपयोग नहीं है, मैं गंधर्व को ही बुला लेता हूं। गंधर्व आओ, बोल के उसने ऊपर देखा, पर वो नहीं आए। फिर से उसने कहा, गंधर्व आओ, कहके फिर से ऊपर देखा, लेकिन वो नहीं आए। अरे ये तो वो मंत्र नहीं है, मैं उसे याद करता हूं। आओ गंधर्व हवा में आओ, चल के आओ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, गंधर्व वहां आ गए। भिंडी भाई तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है, बोलो। इन सबको क्या हुआ है? इन सबको ठीक करो और हमारे राज्य में राजा के पास लेके चलो। थोड़े देशद्रोही और गंदे लोगों ने इनके दिमाग और शरीर पे कुछ प्रयोग किया है। ये सब लोग अब वो सब काम करेंगे जो इनको करने के लिए बोला है। ये लोग हर काम करेंगे। गंधर्व के हाथ से रोशनी जाके सब युवा पे पड़ी और सब ठीक हो गए। शुक्रिया गंधर्व जी। भिंडी भाई, तुमने अपनी दोनों इच्छाओं को खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए इस्तेमाल किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम मुझसे दो और चीज मांग सकते हो, कहो क्या मांगोगे? नहीं गंधर्व जी, जब आवश्यकता हो तब मांगूंगा, कृपा करके आप हम सबको राजा जी के पास लेके जाइए। गंधर्व ने सबको वहां से गायब करके राजा के पास छोड़ दिया। भिंडी भाई तुम सफल रहे, खोए हुए युवा को तुमने वापस लाया, शाबाश। राजा जी ने भिंडी भाई को बहुत तोहफे दिए और उन सब को लेके भिंडी भाई घोड़े पे बैठ के गांव चले गए। ऐसे ही गांव के लिए अच्छा नाम कमाओ। सब आपकी अच्छी सोच के वजह से गांव के मुखिया जी, कहते हुए वहां से घोड़े पे बैठ के घर चला गया।